किसी ने हजरत उस्मान गनी से पूछा कि आप कब्रों को देखकर इतना क्यों रोते हो। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र है, अगर यहाँ मामला ठीक हो गया तो आगे के सारे मामला ठीक हो जाएंगे, अगर यहाँ मामला दुरुस्त रहा तो आगे के मामला भी दुरुस्त नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सहाबा के साथ गुजर रहे थे, अचानक दो कब्रों के पास से आपका गुजरना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बिगड़ने लगी। तो सहाबा ने पूछा, ये अल्लाह के नबी आपकी सवारी क्यों परेशान हो रही? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दो कब्रों वालों का अजाब हो रहा है। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी किस वजह से अजाब हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक को गीबत करने की वजह से और दूसरे को पेशाब की चीटों से न बचने की वजह से अजाब हो रहा है। कि आज हम अपना जायजा लें कि हम किस तरह अमल कर रहे हैं हर चीज पर। ईद का जनाजा निकल चुका है, ईद हुई तो कद्दार है। आज हम गुनाहों के इतने धब्बे लगा बैठे हैं इस दिन पर कि कहां कहां मरहम लगाते फिरेंगे, कि इस दिल को चमकाने की कोशिश करें। कहां है आज वो इंसान जो रात के आखिरी पहर में उठा करते थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की जब्बे लगाया करते थे, उनके सीनों में दिल कांपते थे, उनके दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत से लबरेज थे, जब वो कुरान पढ़ते तो उनकी आंखों से आंसू जारी होते थे और जब वो कुरान सुनते तो उन्हें लुत्फ और मजा आता और जब सजदे पे जाते तो उठने का मन नहीं जाता था। आज ऐसे लोग नजर नहीं आते। आज अगर आप पूरी दुनिया का जायजा लें तो आपको ऐसा मालूम होगा कि सारी इंसानियत अपने कांधों पर जमीन का जनाजा उठाकर चलती चली जा रही और जिंदगी यूं ही गुजर रही। के तहज्जुद के वक्त में एक फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान करता है, हर इंसान फकत अता लहु, हे कोई सवाल करने वाला जिसे मैं अता करूं, हे कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं दूं, मगर हम मांगने वाले व्यक्ति नहीं सोए हुए होते। और फिर जब सुबह होती है तो मखलूक के सामने शिकवे करते फिरते हैं कि खालिक कुछ देता नहीं। जब मांगने का वक्त होता है तो 1-2 बजे तक हम गपशप करते बैठते हैं, जब 3-4 बजे तहजीद का वक्त होता है तो हम छोटे बड़े सब सो जाते हैं। एक वक्त था जब लोग आबादी से गुजरते तो लोग घरों से कुरान की आवाज इस तरह आया करती थी जैसे मक्खियों के भिनभिनाने की आवाजें हुआ करती है। आज हमें आखिरत की तैयारी करना ही चाहिए। ये हमें मालूम है कि मौत कब आएगी, सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की औसत उम्र बैन सबईन व सित्तीन, 60 और 70 साल के दरमियान होगी। औसत लगाए तो सिर्फ 60 साल बनेगी, 70 साल बनेगी। और जो लोग बचपन में मर गए और सबसे ऊपर जाकर मर गए लेकिन औसत सिर्फ 70 ही बनेगी। आज जो लोग 40 साल के ऊपर की जिंदगी गुजार रहे हैं वो अपनी जोहर और असर का वक्त गुजार रहे, अपनी जिंदगी का जोहर और असर का वक्त गुजार रहे, असर के बाद मगरिब होने में देर नहीं लगती। इसी तरह अभी भी अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया है कि हम अपनी जिंदगी को बनाए, आखिरत के लिए तैयारी करें कि मौत कब आएगी किसी को पता नहीं। हम आज ही से नियत कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम नाज़िल फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत के बारे में जो कुछ फरमाया उस पर हम अमल करें। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन बनने के दिल को अपना अर्श कहा, फरमाए दिल तो मेरे तख्त के माने हैं, इस पर मेरी तजल्लियात होती है, निगाहे नाज पड़ती है, मगर हमें आज इस दिल को साफ करने की कोई फिक्र नहीं होती। आज इस दिल पर गुनाहों के धब्बे पे धब्बे लग जाते हैं, दिल की हमें परवाह नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक मजबूत कर लें।
आपके दिल बुत खाने बने हुए, सनम खाने बने हुए। सच बात तो ये है कि आपके दिल गंदे खाने बने हुए। शरीयत का मसला है, जिस घर में तस्वीर हो उस घर में फरिश्ता नहीं आता। इसी तरह जिस दिल में किसी गैर की तस्वीर हो उस दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत आला कैसे पसंद करता है। तो इस दिल को हमें मखलूक से साफ करके अल्लाह तबारक व तआला के लिए वक्फ करना हुआ। जब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हमारे दिलों में समाए, ये इंसान इसी नुक्ते में रहता है। एक जब इंसान आगे बहस करता है कि मैं आज से सच्ची पुट्टी तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करना कर लूंगा, लेकिन शैतान भड़काता रहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी ना किसी को तो माफ करना है। इसी बहाने में रो लेता है, फिर इसी हाल में मौत आ जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक कायम नहीं करता। तो हर इंसान को इस वक्त सोचने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी किस तरह गुजर रही है। कि ये जिंदगी गुजरते गुजरते हमें मौत आ जाएगी, फिर भी हमारी जिंदगी ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के अगर फरमा बरदारी में ये जिंदगी नहीं गुजरी तो ये जिंदगी उस काम की नहीं। फिर अल्लाह तबारक व ताला से मोहलत मांगी जाएगी, फिर से हमें जिंदगी दीजिए, हम दुनिया में जाके कुछ नेक अमल कर ले, लेकिन उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला मोहलत नहीं देंगे। सिर्फ जो कहना है इसी दुनिया में रहकर कहना है। अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक इस दुनिया की राय के बराबर की कोई कदर कीमत नहीं है। जब से अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया को बनाया है आज तक अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया पर नजर नहीं रखी। तो सोचिए इस दुनिया के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ काम नहीं आएगा। असल मरहला आखिरत का मरहला है, तो हमें आखिरत की तैयारी करना चाहिए कि हमारी जिंदगी किस तरह गुजरे। कि यहां सब साथ देंगे लेकिन वहां कोई साथ नहीं आएगा, इसलिए हमें आखिरत की यह तैयारी करना चाहिए। और ये जो जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला ने दी है इसकी कदर और कीमत को समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें मौत से पहले बड़े आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।